राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में महिला थानों की कार्य कुशलता और प्रभावशीलता के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान उन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई जिनसे महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। बढ़ते महिला अपराध को भी कैसे घटाया जाए, इस संदर्भ में भी चर्चा की गई। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि महिलाओं से में पहले से जागरूकता आई है और अब महिलाएं उचित माध्यमों से अपनी बातों को रख रही हैं। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने भी शिरकत की। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो हमारी अध्यक्ष हैं माननीय कुसुम कंडवाल जी, उनको बधाई देना चाहूँगी कि बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम आज पुलिस लाइन्स देहरादून में हुआ है, जहाँ हमने बात की है महिला हेल्प डेस्क की और थानों की, और वो किस तरह से और सशक्त तरीके से हमारी जो बहनें हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज काफ़ी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों पहलुओं को सुन। अभी डीजीपी अशोक कुमार जी ने भी ये बात कही है और हम भी यही कह रहे हैं कि आप सही गलत को आप बाद में देखें। पहले जो महिला आपके पास बार बार आ रही, पहले उसकी FIR दर्ज कर लीजिए, वो संतुष्ट हो जाए कि मेरी एप्लीकेशन ले ली गई है, FIR दर्ज हो गई है, फिर आप उसमें जांच करें ना। जांच का विषय बाद में बन जाता है कि गलत क्या है सही क्या है, इसलिए हम मजबूती से बार बार यही बात करते हैं और आप सुने उनकी बात। जब चाहे वो रात आपको फ़ोन करती हैं, चाहे वो दिन में करती हैं, पहले महिला की समस्या सुने।